रादौर के यमुना नदी के नगली घाट पर बनाए जा रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने की तेजी लाने की मांग। रादौर के यमुना नदी के नगली घाट पर हरियाणा को यूपी से जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने तेजी लाने की मांग की है। स्थानीय निवासी वरियाम सिंह, अमित सुखविंदर, विनोद आदि ने बताया कि रादौर क्षेत्र के यमुना नदी के साथ सटे गाँव के कई किसानों की कृषि योग्य भूमि यमुना नदी पार पड़ती है, जहां पर वह खेती कार्य करते हैं। यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद तो वह जैसे जैसे कर अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तब उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, या फिर किसान जान जोखिम में डालकर यमुना नदी को पार कर अपने खेतों में पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों ने ठेकेदार से ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की है, ताकि स्थानीय किसानों को राहत मिल सके। रादौर तहसील परिसर में बने तहसीलदार निवास से इन्वर्टर व छत का पंखा चोरी। रादौर तहसील परिसर में बने तहसीलदार निवास को चोरों ने निशाना बनाते हुए वहां से इन्वर्टर व छत का पंखा चोरी कर लिया। मामले की सूचना पर रादौर पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में नायब तहसीलदार कमरदीप सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को कर्मचारियों ने तहसीलदार निवास को अच्छी प्रकार से बंद किया था। मंगलवार को जब कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निवास के पीछे की साइड के दरवाजे की जाली कटी हुई है। तब उन्होंने अंदर जाकर जांच की तो पता चला कि वहां रखा इन्वर्टर व छत का पंखा गायब है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में आगामी छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि रादौर तहसील परिसर में कोई चौकीदार नहीं है, जिससे रात्रि के समय तहसील परिसर सुनसान रहता है। पहले भी यहां से नाव का कीमती इंजन चोरी हो गया था, लेकिन इससे भी तहसील प्रशासन ने सबक नहीं लिया और आज भी यहां पर किसी चौकीदार की तैनाती नहीं की गई है। भीम आर्मी व आजाद पार्टी की ओर से मंगलवार को रादौर क्षेत्र में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल यात्रा रादौर के गुरु रविदास मंदिर से शुरू हुई। साइकिल यात्रा का नेतृत्व भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा व जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने किया। साइकिल यात्रा रादौर से शुरू होकर नाचरोन, बरहेड़ी, मारू पर, लक्ष्मीबांस, अलहर, कांजन, छोटामांस से होते हुए वापिस गुरु रविदास मंदिर रादौर में समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा व जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने बताया कि साइकिल यात्रा का उद्देश्य भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में जाति तोड़ो समाज जोड़ो की नीति पर कार्य करना है। उनका उद्देश्य साइकिल यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज को इकट्ठा करना है। रादौर में महाराजा अग्रसेन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ गठन, ज्ञान सिंह कामबोज बने प्रधान। रादौर के महाराजा अग्रसेन पार्क में शहर के गणमान्य लोगों की ओर से मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के महाराजा अग्रसेन पार्क की देखभाल के लिए स्थानीय लोगों की ओर से महाराजा अग्रसेन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जगदीश शर्मा को एसोसिएशन का संरक्षक, ज्ञान सिंह कम्बोज को प्रधान, मुकेश अरड़ो का सचिव, मास्टर गुरुचरण सिंह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रधान ज्ञान सिंह कम्बोज ने बताया कि एसोसिएशन का उद्देश्य पार्क का विकास कार्य करवाना है। उन्होंने कहा कि पार्क में लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर एसोसिएशन काम करेगी। वहीं पार्क से जुड़ी समस्याओं को लेकर समय समय पर अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की ओर से 15 दिनों में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्क में चल रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। रादौर में बेसहारा पशुओं की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, बैंक के एटीएम को बनाया ठिकाना। रादौर में बेसहारा पशुओं की संख्या लगातार इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें अपने लिए ठिकाना तक उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस कारण अब यह बेसहारा पशु सार्वजनिक व व्यावसायिक संस्थानों में अपना डेरा जमाने लगे हैं। ऐसा ही दृश्य भी एसके मार्ग पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम केंद्र पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बेसहारा गोवंश ने अपना डेरा डाला हुआ था, लेकिन किसी भी बैंक कर्मचारी की इस पर नजर नहीं पड़ी। घंटों तक यहां आने वाले लोग इससे बचते बचाते एटीएम से पैसे निकलवा कर जाते रहे। घंटों बाद किसी ने बैंक कर्मचारियों को सूचित किया तो वहां से इसको बाहर निकाला गया।